नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं विषय मैथमेटिक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। हम अपने हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और हमारा ये प्रोग्राम पीएमए विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। तो यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो इस टॉपिक से जुड़ी, तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800 4 4 0 5 5 9। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। तो चलिए आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो इस टॉपिक को आप तक पहुंचाएंगी, वो है मिस सविता गर्ग। मैम इज वर्किंग एट गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सत्र में। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं, सीधे मैम की तरफ रुख करते हैं और मैम से जानते हैं कि जो हमारा जो कॉन्टिन्यूएशन है आज हमारे पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी में, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैम जी बिल्कुल, तो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। टॉपिक हमारे व्यूअर्स पिछले 2 सेशन में पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चन के साथ अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट, लेट अस डिस्कस कि हमने पिछले सेशंस में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किन किन टर्म्स का यूज किया है। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट डू वी मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट व्हिच कैन बी सेड दैट एज अ एन ऑपरेशन व्हिच रिजल्ट्स इन वेल डिफाइंड आउटकम। प्रोबेबिलिटी में जैसा कि हम कुछ एक क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट कार्ड्स डाइस एंड कॉइंस एज वेल। तो हमें पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या मान सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? हमने ऐसे ही कोई भी कॉइन उठाया और टॉस कर दिया, दैट इज नॉन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें नहीं पता कि कॉइन को टॉस करने पर हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। इसी तरह से एक डाई को टॉस करने पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कौन सा आउटकम हमारा टॉप फेस पे डिस्प्ले होगा हमें नहीं पता, तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन द सेम वे, मान लीजिए किसी बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं जिनमें से देयर आर सम ब्लैक बॉल्स एंड देयर आर सम रेड बॉल्स। सो अगर मुझे रेड बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बिना देखे हम उस बैग के अंदर हाथ डाल रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि बैग से रेड बॉल या फिर ब्लैक बॉल, कौन सी बॉल बाहर निकलेगी। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। If we toss an unbiased coin, we can get a head or a coin. इसी तरह से if we are drawing a card or from a well-shuffled deck of 52 cards, the card can be of any hue. The card can be of any color. It can be black, it can be red. फिर red और black में से भी it can be king, it can be ace or anything else. इसके साथ ही साथ हमने discuss किया trial. जब हमारा कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो ऐसे परफॉर्मेंस को हम बोलेंगे ट्रायल। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल स्पेस? तो देखिए, जैसे ही हमने 2 कॉइन्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट अगेन, हमने कोई 2 कॉइन इकट्ठे टॉस किए, दोनों कॉइन्स को टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबल है? हो सकता है फर्स्ट कॉइन पर हेड या फिर टेल में से कोई भी आउटकम होगा, ऐसे ही दूसरे कॉइन पर भी हेड और टेल, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स अगर हम 2 कॉइंस को इकट्ठे टॉस करते हैं और हम किसी भी सैंपल स्पेस को शो करते हैं बाय एस। सो एस विल बी डिफाइनिंग दीज ऑल 4 आउटकम्स। तो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टर्म नाउ। हमने इवेंट्स के बारे में, वेरियस इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज नॉन एज इवेंट। मान लीजिए मैं कहती हूं कि मैंने एक डाई टॉस की, तो एन इवेंट इज गेटिंग एन इवन नंबर और गेटिंग एन ओड नंबर, क्लियर? तो इसी तरह से हम बात करते हैं नल इवेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हुए चलेंगे। नल इवेंट ऐसे इवेंट को बोलेंगे जिसके अंदर कोई भी आउटकम पॉसिबल ही नहीं है। लेट अस सी एन एग्जांपल। अगर हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6,
तो हमें पता है कि डाई पर तो 6 से बड़े कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती, दैट इज वाई हमारे पास नल इवेंट है ये एक, क्योंकि 6 से बड़ा एक भी नंबर किसी डाई पर नहीं। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इज दैट इवेंट जो सभी के सभी आपकी सैंपल स्पेस को कैरी अपने साथ करता है, यानी ऑल द 6 आउटकम्स आर देयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देन लेट अस डिस्कस अबाउट सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मीन्स द इवेंट हैविंग अ सिंगल आउटकम, सिंगल फेवरेबल आउटकम। अगर हम इसी केस में बात करें कि ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, सो ऐसा एक ही नंबर है यहाँ पर जो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, सो दिस इवेंट इज नॉन एज सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट हैविंग मोर देन वन पॉसिबल वन फेवरेबल आउटकम, एंड देन फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट, यानी जिस भी इवेंट की फेवर में काम किया जा रहा है उन सभी केसेस को हम बोलेंगे फेवरेबल केसेस। और एग्जॉस्टिव केसेस, जितने भी केसेस हमारे सैंपल स्पेस में बनते हैं, जैसे ये डाई को टॉस करने पर हमारे सामने 6 पॉसिबल केसेस हैं, तो इन 6 पॉसिबल केसेस को हम बोलते हैं 6 एग्जॉस्टिव केसेस। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसे। अगर ए कोई इवेंट है विच इज हैविंग दीज 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3, बी इज एनी अदर इवेंट जिसके लिए पॉसिबल आउटकम्स जो हैं फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो हैं 4 और 5, तो ये दोनों ही इवेंट्स एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऑल द वैल्यूज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन लेट अस डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी। डियर व्यूअर्स, वी नो दैट थ्रू आवर प्रीवियस सेशंस दैट द प्रोबेबिलिटी of an event having exhaustive events n and favorable outcomes m. अगर हमारे पास total favorable cases भी हम बोल सकते हैं, favorable outcomes भी बोल सकते हैं, इसी तरह से exhaustive events, exhaustive cases हमारे पास n है, so the probability will be m upon n. Now let us discuss some important statements. जैसे कि हमने भी बात की कि अलग अलग जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स बनेंगे किसी भी इवेंट से रिलेटेड, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम जो है दैट विल ऑलवेज बी वन। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। लेट अस टॉस 2 कॉइन्स। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2 कॉइन्स को टॉस करने पर ये 4 फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। लेट मी से दैट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में वो सभी केसेस काउंट हो जाएंगे जहां या तो दोनों हेड होंगे या एक हेड। एंड एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ ऑफ द टेल्स। तो दोनों ही इवेंट्स को अगर हम इनका यूनियन कर देते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकालेंगे, वी नो दैट दीज विल बी 3/4 एंड 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/4, एंड द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज इज अनडाउटेडली बाय टेकिंग 4 एज LCM, we are getting that the sum is 1. इसी तरह से this is also an important statement that the probability of a null event is 0, probability of a sure event is 1, and probability of any event, this one is an important point, let us discuss it again, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, इसी तरह से 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 0 और 1, इंक्लूडिंग 0 और 1। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम जानते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर इवेंट ई की बात की, इट इज हैविंग दीज 3 फेवरेबल केसेस, तो ई नॉट में वो सभी केसेस आ जाएंगे जो ई में नहीं है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की भी बात करते हैं तो ई एंड इट्स नॉट दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। लेट अस सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम। अगर ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई नॉट हमसे पूछी जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट 0.7 फ्रॉम 1 एंड द आंसर विल बी 0.3। सो लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ। या देर आर सम क्वेश्चंस
What is the question first? As we know that we have studied about the cards. Cards कितने होते हैं? Total 52. In 52 cards में से we know that there are 26 cards black and 26 cards are red in color. So further in 26 or 26 cards में से भी further अगर हम differentiate करते हैं तो in 26 में से there are 13 cards known as club cards. There are 13 cards known as spade cards. इसी तरह से red cards होते हैं heart and diamond and then again 13 and 13. Dear viewers, let us now discuss red queens. तो red color की कितनी queens होती हैं? These are two. Total 4 queens में से 2 are red and other 2 are black in color. इसी तरह से black jacks. तो red color की queens यानी दो cards हमने queens के remove किए और दो cards हमने जैक्स के रिमूव किए फ्रॉम टोटल 52 कार्ड्स. तो हाउ मेनी रिमेनिंग कार्ड्स विल बी देयर? देयर विल बी 52 माइनस 4 दैट इज 48 कार्ड्स. अब इन 48 कार्ड्स में से अ कार्ड इज टू बी ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीशफलिंग ऑल ऑफ दिस. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग. जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे वो एक किंग होना चाहिए. अब देखिए हमने एक भी किंग कार्ड तो रिमूव किया ही नहीं है, यानी सभी के सभी फोर कार्ड्स आर देयर. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 48 और जिसे हम बोल सकते हैं 1/12 ऑन कैंसिलेशन. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन. तो क्वीन, फोर टोटल क्वींस होती हैं जिनमें से 2 रेड क्वींस ऑलरेडी पहले ही रिमूव की जा चुकी हैं. तो अंदर आपके पास कितनी क्वींस है? 2. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 2 डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग कार्ड दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय 48 और यू कैन आल्सो राइट इट एज 1/24. देन अ रेड कार्ड. रेड कार्ड, ओके, कार्ड रेड कलर का होना चाहिए. तो देखिए जो आपने क्वींस रिमूव की थी वो दोनों ही रेड थी. तो वैसे तो रेड कलर के आपके पास 26 कार्ड होते हैं बट उनमें से 2 क्वींस रिमूव होने पर टोटल हमारे पास कितने रेड कार्ड्स अभी बचते हैं? 24. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम विल बी 24/48 और 1/2. एंड देन फेस कार्ड. फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? यस डियर व्यूअर्स, देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स आउट ऑफ व्हिच 4 आर किंग, 4 आर क्वीन एंड 4 आर चेक. अब इन 12 में से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ऑलरेडी हम 2 ब्लैक जैक कार्ड्स एंड 2 रेड क्वीन कार्ड्स रिमूव कर चुके हैं. तो 4 फेस कार्डेड कार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन आउट. तो अंदर आपके पास कितने फेस कार्ड्स अभी बचते हैं? 8. और आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी 8/48 और विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/6. तो जब भी किसी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने होगा कि कुछ कार्ड्स रिमूव कर दिए हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होते हुए देखना पड़ेगा कि किस किस तरह के कार्ड्स अभी हमारे पास बचते हैं इन द रिमेनिंग 48 कार्ड्स और व्हाटसोएवर नंबर इज गिवन टू यू. यस, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अ बैग कंटेन्स, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने पिछले किसी भी सेशन में डिस्कस नहीं किया. सो लेट अस डिस्कस दिस. एक बैग में टोटल कोल्स कितने हैं वो हमारे पास गिवन नहीं है. लेट अस रीड इट. अ बैग कंटेन्स 15 कोल्स ऑफ विच सम आर ब्लू एंड द रिमेनिंग आर रेड. इफ द नंबर ऑफ रेड कोल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5. हमें नहीं पता ब्लू कितनी है और रेड कितनी है लेकिन हमें टोटल कोल्स पता है. सो सी, लेट अस सपोज दैट द ब्लू कोल्स आर एक्स इन नंबर और अगर ब्लू एक्स हैं तो रेड हमारे पास कितनी होंगी? रेड विल बी 15 माइनस एक्स. देन इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इंक्रीज्ड बाय 5. यहां पर आपके पास टोटल बॉल्स कितनी थी? दीज वर 15 और अगर हम रेड बॉल्स को इंक्रीज कर देते हैं बाय 5 यानी 5 बॉल और यहां पर आपने ऐड कर देनी है. अगर 5 बॉल्स और हम ऐड करते हैं तो टोटल रेड बॉल्स आर देयर 20 माइनस एक्स. Then find the probability of drawing a red. Okay, find the probability of drawing a red ball. But before that, a condition भी हमें given है. The probability of drawing the red balls double हो जाती है पहले से. तो देखिए जैसे ही हमने 5 red balls add की तो total हमारे पास balls कितनी हो जाएंगी? 20. क्योंकि उसने blue color की कोई भी extra ball अभी add नहीं की. तो पहले
रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी और अभी जो प्रोबेबिलिटी है, बाद में जो इवेंट है हम इसे आर वन सपोज करते हैं, और इन द प्रीवियस केस लेट अस सपोज कि आर इज द इवेंट जो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड केस में रेड कलर की जो बॉल्स हैं, दीज आर 20 माइनस एक्स इन नंबर एंड टोटल बॉल्स आर 20 हियर. सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. बाद में रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पहले से डबल हो जाती है. सो वी डू हैव 20 माइनस एक्स अपॉन 20 इज डबल दैट ऑफ द प्रीवियस वन. तो ये हमारे पास जो इवेंट आया है, लेट अस हाईलाइट इट अगेन. हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने पर देयर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और अब हमें जो कुछ भी पूछा गया था दैट इज इजी टू टेल. जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वी डू हैव द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, देन 15 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास रेड कलर से भी बॉल आ जाएंगी, और फिर हम इजीली बता सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड और ब्लू और अ ब्लू बॉल इफ 5 रेड बॉल्स आर एक्चुअली एडेड. तो दिस इज द क्वेश्चन, लेट अस प्रोसीड अहेड. ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है टू एन इवेंट एंड ऑफ नॉट एग्जिस्टिंग दैट इवेंट. चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85. सो लेट मी सपोज के रेन होने का जो इवेंट है उस इवेंट को हमने मान लिया इवेंट ई. दैट मींस इवेंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि कल बारिश होगी. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट इज 0.85. अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है. हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी इवेंट और उसके नॉट एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, एंड ऑन सबट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग 0.15. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल. हमें नहीं पता वहां पर कितने एप्पल्स सही हैं, कितने एप्पल्स खराब हैं, लेकिन हाँ एक खराब एप्पल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.18, एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज आल्सो गिवन टू अस विच इज 900. सो लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, या इट इज रोटन, बी एक्स और वाई, और हम कोई भी अननोन वेरिएबल जो है वो एज्यूम कर सकते हैं. लेट इट बी एक्स. सो व्हाट डू वी हैव, एक्स डिवाइडेड बाय 900, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अ रूटन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप, दैट इज इक्वल्स टू 0.18. इट इज गिवन टू अस, दैट मींस वी डू हैव एक्स अपॉन 900 is equal to 18 upon 100. If we will remove the decimal, it will be 18 divided by 100. Yes. So simply on solving this particular equation, we are getting the value of x, which is 18 times 9, and we know that 18 times 9 is 162. और हमसे पूछा भी यही गया था व्हाट इज द नंबर, यानी इस पर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन थी और हमसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल. जैसे हमें उसने संख्या पूछी है कि खराब एप्पल्स कितने थे, इसी तरह से वो ये भी पूछ सकता है कि सही एप्पल्स कितने थे. तो आपको सिंपली 900 में से रोटन एप्पल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन, फिर से डिफरेंट टाइप का. डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी हमें नहीं बतानी है, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक. ओके, इफ एक्स आर ब्लैक देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल इट विल बी एक्स अपॉन 12. इन इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम
then what is the probability that it is black, जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं. Then it is given in the question, 6 more black balls are put in the bag. देखिए दो बातें हैं. पहली बात कि अभी जितनी और बॉल डाली है वो अभी भी ब्लैक कलर की है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विल बी x plus 6. दूसरी बात, अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी जो है वो चेंज हो गया है. नाउ इट इज 12 प्लस 6 विच मीन्स 18 इन नंबर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल. इट इज नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल. अभी ब्लैक बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुई है, इट इज x प्लस 6 divided by 18. It is double that of the previous one. That means it is double of probability of B. You just have to find the value of X, which is really very much easy. I would like my viewers to solve this question. And now let us discuss some questions related to dice. In a single throw of two dice, हमें दो dice इकट्ठे toss करने हैं. Find the probability of getting a sum 9. Okay, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी two dice toss हो रही है, there will be total 36 cases and these cases are starting from 1-1, 1-2, up to 6-6. The question is, the sum which we are getting on both of the dice, जब हम दोनों dice को इकट्ठे toss कर रहे हैं, तो sum जो है वो 9 आना चाहिए. तो देखिए, हो सकता है first dice पर 3 और सेकंड डाइस पर 6 आ जाए. द सम ऑफ बोथ ऑफ दीस नंबर्स इज 9. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट इट विल बी 4-5. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट इट विल बी 5-4 एंड इट इज आल्सो पॉसिबल 6-3. अगर आप फर्दर सोचते हैं कि फर्स्ट डाइस पर 7 और सेकंड डाइस पर 2 भी तो आ सकता है, तो इट इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डाइस पर इन जनरल जो नंबर्स होते हैं, दीस आर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. तो 7 किसी भी डाई पर नहीं होता. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस के लिए टोटल पॉसिबल हमारे पास जो टोटल फेवरेबल केसेस हैं, दीज आर 4. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4 डिवाइडेड बाय 36. नाउ द नेक्स्ट इज 12 एज अ प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी की जो प्रोडक्ट है वो 12 आ जाए. किस चीज का प्रोडक्ट, अगेन उन दोनों नंबर्स का जो फर्स्ट और सेकेंड डाई पर आने वाले हैं. तो अब हमें थोड़ा सा सोचना है. Let me suppose this event to be event F. तो देखते हैं F event के लिए favorable cases कौन-कौन से बनते हैं. अगर हम सोचते हैं कि first die पर 1 और second पर 12 आ जाए, या सीधी सी अगर हम बात कहें, तो हमें 12 के factors पहले ही सोच लेने चाहिए. These are 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. तो इनमें से वो कौन-कौन से factors हैं जो किसी die पर appear होते हैं? These are 2, 3, 4 and 6. अब इनमें से वो कौन से केसेस बनते हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो जाए? तो दीज आर 2, 6 एंड देन 6, 2 इज आल्सो पॉसिबल. यानी उल्टा हो जाए, फर्स्ट डाई पर 6 और सेकंड डाई पर 2 आ जाए. सिमिलरली 3, 4 एंड 4, 3. सो अगेन फॉर दिस पार्ट आल्सो द आंसर विल बी 4 upon 36, और वी कैन से 1 upon 9. Similarly, there are some more parts which I would like you people to solve. Let me read these parts one. Sum of the numbers is less than or equal to 12. Less than or equal to 12, hint हम दे देते हैं बच्चे आपको. This is minimum sum जो है दोनों dice पर, that is 2. 2 से कम sum नहीं आ सकता जब आप दो dice को इकट्ठे toss करते हैं. ऐसे ही अगर पहली die पर भी 6 और दूसरी पर भी 6 आ जाए, तो maximum sum जो है वो 12 हो पाएगा. तो जब वो हमसे बात कर रहे हैं सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि सम 2, सम 3, सम 4 से लेकर सम 12 तक के सभी केसेस को हमें ऐड कर देना. एंड द लास्ट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द फर्स्ट टाइप एंड मल्टीपल ऑफ 5 ऑन द सेकेंड टाइप. फर्स्ट टाइप पर 3 का मल्टीपल हो सकता है और सेकेंड टाइप पर 5 का मल्टीपल हो सकता है. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द नंबर्स 1 to 6, सो 5 का मल्टीपल सिर्फ वहां पर 1 ही है, एंड दैट इज 5. नाउ इज देयर सम टू क्वेश्चंस आर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ. रियल लाइफ में अगर हम कुछ टॉस कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का है,
हम बोल सकते हैं कि दीज आर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर इज अ गेम. दिस गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्री टाइम्स. एक कॉइन को तीन बार टॉस करने से रिलेटेड है एंड द आउटकम क्या आ रहा है हर बार. तो जब भी हम किसी कॉइन को तीन बार टॉस करते हैं, वी नो देयर विल बी टोटल केसेस टू क्यूब और एट एंड दीज एट केसेस आर एच एच टी एच देन इट इज टी एच एच और सिमिलरली हो सकता है कि दो टेल हो जाए और एट हेड हो जाए. देन दीज थ्री केसेस विल बी टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल या फिर तीनों ही कॉइंस पर जो है वो क्या आ जाए टेल आ जाए. तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि देयर इज एनी पर्सन वो शर्त लगाता है कि अगर सभी के सभी टॉसेस में सेम रिजल्ट आ जाए. सेम रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? या तो सभी केसेस में पहले कॉइन को टॉस करने पर भी, दूसरे कॉइन को टॉस करने पर भी और तीसरे कॉइन को टॉस करने पर भी हमारे पास हेड 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 तीनों बार में हेड आ जाए या तो तीनों बार में ही क्या आ जाए टेल आ जाए. यानी सेम रिजल्ट अगर आता है तो हमारे पास क्या होगा? देन ही विल विन द गेम एल्स ही लोसेस द गेम. यानी कि उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो कितने बन रहे हैं? 2 डिवाइडेड बाय 8. और अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं तो क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस द गेम. तो इस बार सीधे सीधे हमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स, बल्कि उसके बीच में कंडीशन लगा दी गई है कि कोई पर्सन शर्त लगा रहा है कि ये चीजें आने पर मैं जीत जाऊंगा. और हमसे प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है कि वो जीत जाए अपनी इस गेम को, उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो द आंसर विल बी 2/8 और वी कैन से 1/4. देन इट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही लोसेस द गेम. अगर वो पर्सन गेम हार जाता है, यानी ना तो उसके पास तीनों हेड आते हैं और ना ही उसके पास तीनों टेल आते हैं, तो क्या क्या उसके पास आ सकता है बाकी 6 केसेस में से कुछ भी? तो इन दैट केस द आंसर विल बी 3/4. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम इज हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स. एक कॉइन को तीन बार टॉस करने पर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं? तो वो हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी किया, दीज आर टोटल 8 इन नंबर. देन इट इज देयर इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए देन. अब आपको इवेंट ए के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया. जनरली पूछ लिया गया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट करता है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को, देन द क्वेश्चन इज दिस एक्चुअली, देन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. बिल्कुल मैम, और मैं समझती हूँ कि जो आपने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के समझा दिए हैं, रेस्ट 3 मैं समझती हूँ हमारे बच्चों के लिए एक होमवर्क भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इस सत्र में समय के बेहद कम रह गया है. तो मैम आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी. आपने जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक था उसको आपने साथ ही हमारे जो पहले पार्ट 2 था उनका आपने क्विक रिविजन कराया ही, साथ में जो आज हमने नए टॉपिक सीखे, आपने नई एक्टिविटी ने नए एक्सरसाइज से आपने हमारे स्टूडेंट्स को सीखा, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद मैम आप हमारे साथ जुड़ी. जी धन्यवाद. मैं चाहूंगी जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारे व्यूअर्स इसे सॉल्व करें और हमारे साथ शेयर. बिल्कुल बिल्कुल. तो बच्चों आपका ये होमवर्क तो हो ही गया, जो लास्ट क्वेश्चन हमने मैम ने आधा पढ़ाया आधा आपको हमें सॉल्व करके हमें भेजना होगा हमारे ईमेल एड्रेस पर जो कि dts.class10@cit.nic.in पर. मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी आप कहीं मत जाइएगा, हम अपने जल्द हाजिर होंगे अपने एक नए सत्र के साथ पीएम विद्या चैनल पर. आप देखते रहिए. नमस्कार.